हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बहुत अच्छे हो। आई होप आप हमारी वीडियोस एंजॉय कर रहे होंगे और उनको घर में कोशिश कर रहे होंगे ट्राई करने की, एक्सरसाइज तो रोज ही कर रहे होंगे। तो आज हम एक और वीडियो लेके आ गए हैं आपके लिए। और इस वीडियो में हमने जो पहले की दो वीडियो कवर करी थी ना, इस वीडियो में हम कवर करेंगे येलो टू ग्रीन बेल्ट का जो सिलेबस होता है और उसमें जो हम सीखते हैं वो। अभी तक हमने सिर्फ व्हाइट बेल्ट का करा और व्हाइट बेल्ट हमने क्या क्या करा, साइकिक वन की 18 स्टेप्स, फिर हमने 5 बेसिक किक्स करी, फिर उसके बाद हमने क्या करा, बेसिक्स पंचेस करें, है ना। और अब हम करेंगे येलो टू ग्रीन बेल्ट के लिए। उसमें सबसे पहले आएगा थैकिक 2 और उसमें भी 18 स्टेप्स हैं और आज हम उसको कवर करेंगे इस वीडियो में। और उसके बाद थोड़ी सी एक्सरसाइज को हम थोड़ा एडवांस करने वाले हैं आज, और आई होप आप लोग उसको घर में पूरी कोशिश करेंगे और हमें अच्छा रिस्पॉन्स भी देंगे। और आप लोग भी अपनी एक एक मिनट की वीडियोज़ या 30 सेकंड की वीडियोज़ शेयर करना हमारे साथ, जिससे कि हमें भी अच्छा लगे और पता चलना चाहिए कि आप लोग भी हमें फॉलो कर रहे हो और कुछ रिस्पॉन्स कर रहे हो। और मैंने अभी और भी कुछ बच्चों ने हमें अपनी पुरानी वीडियोज़ भेजी हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगा उनको देखा कि हमारी करीबी एक्सरसाइजेज वो घर में कॉपी कर रहे हैं। और तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और जैसे कि आपको पता है हम क्लास के स्टार्टिंग में क्या बोलते हैं, पता है ना स्टार्टिंग में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? चिंचे छहरियत। हाँ सही बोला, चलो करें चिंचे छहरियत। ओके, तो थोड़ी बेसिक एक्सरसाइज में आपको बता देता हूँ। लेग्स, लास्ट टाइम हमने लेग्स के वो स्ट्रेंथ करने के लिए करा था, आज हम थोड़ा आर्म्स को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे। तो आर्म्स के लिए जो एक्सरसाइज है वो सिर्फ इतनी है, आपको क्या करना है, पुशअप्स लगाने। पुशअप्स हमने अभी नकल्स पे सीखे थे ना ऐसे करके, इस बार आज हम फिंगर्स से पुशअप्स लगाएंगे, ठीक है। तो आपको पहले 5 फिंगर्स पे ऐसे करके पहले बैलेंस करना है, इस तरह से पूरा वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको अपने 10 फिंगर्स पर। और फिर धीरे धीरे आपको अपनी चीन टच करनी जमीन पे ऐसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, इसके बाद अब आपकी फिंगर से जोर से दर्द हो रहा होगा, आपको अपने हाथ ऊपर करने हैं और जोर जोर से पंपिंग करनी है। आप जितनी ज़्यादा तेज़ी से करोगे उतनी आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो फास्ट होएगा। आपके हाथ बहुत दर्द कर रहे होंगे, आपको दर्द सहना होगा। नो पेन नो गेन, याद रखना। और आपकी जो फोरआर्म मसल्स है ना, ये बहुत वर्क कर रही होगी अभी, तो यहाँ बहुत पेन फील कर रहे होंगे आप, बट आपको करना है। और फिर कुछ कम से कम 100 टाइम्स आप ऐसे इनको जोर जोर से करना है। 100 टाइम्स करने के बाद फिर आप रिलैक्स कर सकते हो, आप फील करोगे थोड़ा ये मोटे मोटे हो गए होंगे। जब आप ये रोज़ करोगे तो आपकी फोरआर्म जब मसल स्ट्रांग हो जाएगी ना, तो आपकी हैंडराइटिंग भी अच्छी हो जाएगी। आपको ध्यान होगा मैंने बताया था, हम जब ऐसे पेन से लिखते हैं तो यहाँ दर्द होने लग जाता है ना, जब ये मसल स्ट्रांग हो जाएगी तो हमें पेन भी भारी नहीं लगेगा, हम थकेंगे नहीं। ओके, तो हमने थोड़ा हाथों का एक्सरसाइज कर लिया। बैलेंसिंग के एक्सरसाइज में आपको एक योगा पोज बताता हूँ जो मार्शल आर्ट में बहुत ज़रूरी है, उसका नाम है गरुड़ासन। मैंने पहले भी बता रखा होगा इसके बारे में, आप सब लोग इसको करना, ये आपकी बैलेंस करने के लिए बहुत ज़रूरी है। आपका जो एक टांग पे बैलेंस इसके थ्रू बहुत अच्छा हो जाएगा। आप फिर से देख लो, आपको अपना राइट लेग, आपको अभी लेफ्ट लेग के लिए करना है, तो राइट लेग को ऐसे करके यहाँ से ला के अपने पंजे को यहाँ निकाल के हुक कर देना है। ओके, हुक करने के बाद फिर आपको थोड़ा बैलेंस बनाना पड़ेगा, फिर ऐसे करके हाथ को भी रोल करना है और कुछ सेकेंड जितना देर आप रोक सको, 30, 20 या 50 सेकेंड आप इसी पोज में रहो। अब आप सेम चीज़ दूसरे से करोगे। ये गरुड़ासन आपके लिए बैलेंसिंग के लिए बहुत अच्छा है, मार्शल आर्ट में बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप किसी को अटैक करते हो ना ऐसे करके,
आपने ऐसे अटैक करा, आप एक तरफ से खड़े हो, आप बहुत यहाँ पे चांसेस ज़्यादा होते हैं कि सामने वाला आपको हिट करे, आपका डिसबैलेंस हो और आप नीचे गिर जाओ, और गिरने का मतलब है आउट हो जाना। तो आपको गिरने से बचना है, आपको अपने दोनों पैर इतने स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, आप कैसी भी कंडीशन में आप गिरो ना, तो गिरने से बचने के लिए हम करेंगे ये वाले वन टेन सेकेंड काउंट करो मेरे साथ, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, वेरी गुड। क्योंकि आप घर में ट्राई करना और मुझे अपने एक भी, ठीक है, मैं इंतजार करूँगा आपके पंचेस का। ओके, तो बेसिक पंचेस तो हमने पहले कवर कर लिए हैं, आप थोड़ा एडवांस पंचेस करते हैं। एडवांस पंचेस में आपको अपना एक पोजिशन होगा, थोड़ा नीचे हैंड रहेगा, राइट लेग आगे राइट हैंड आगे, आपको वन काउंटिंग में सिंगल पंच करना है, थोड़ा रेंज अपनी कवर करते हुए स्क्वायर को आप ऐसे करके फिर वापस यू मार के फिर वापस साइड से देखो वन टू थ्री, फिर आपको वापस अपने फेस बात करना जरूरी है, फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, बाद में वापस लाभ है अपने फेस की बात। अब लेग चूज करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, ओके, रिलैक्स। अब थोड़ा हाथों को रिलैक्स देंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने स्टमक के लिए कुछ एक्सरसाइज, जिससे हमारा स्टमक स्ट्रांग बने। और स्ट्रांग स्टमक हमारा कोर होता है, जो हमारा स्टमक है वो अगर स्ट्रांग होगा तभी हम पावरफुल किक्स डिलीवर कर पाएंगे। तो अपने स्टमक को स्ट्रांग बनने के लिए एक एक्सरसाइज है, इसको हमें क्या करना पड़ता है, लेग्स अप करने होते हैं आपको 50 सेकंड तक। ओके, लेग्स अप, यस। अब काउंट करना है मन में आराम आराम से 50 सेकंड्स तक, आपको ये पोज मेंटेन करके रखना है 50 सेकंड्स तक, ओके। और जब आप ये कर रहे होंगे तो आपके पेट को बहुत जान लगानी पड़ेगी, पर आपको सांस रोक कर जितना आप रोक सको इसको आपको करना है। आपके पैर ज़मीन से कम इतना ऊपर होने चाहिए। आप लोग इसको करना घर में ज़रूर, और हो सके तो हमारे साथ अपनी वीडियो जरूर शेयर करना कि आप कितनी देर होल्ड कर सकते हो इस पोजीशन को। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं एक और बार, इसको हम तीन बार करेंगे, एक सेट हो गया, अब दूसरा सेट स्टार्ट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी, चेंज। ओके, अब क्या करेंगे, अब हमें दोनों लेग्स को ऊपर उठाना है फिर वापस नीचे रखना है। ओके, वन लेग्स अप एंड डाउन, ज़मीन पे नहीं लाना, 10 टाइम्स इसको अप एंड डाउन करना है। टू, ये एक्सरसाइज उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिनका टमी बहुत आगे आ गया है और वो उसको अंदर करना चाह रहे हैं। थ्री, हाँ फोर, कोशिश करनी है आपको लेग्स को ज़मीन पर टच ना हो। फाइव, वेरी गुड। सिक्स, धीरे धीरे करना है स्लो मोशन में, बहुत धीरे धीरे। सेवन, दिखती है बहुत इजी एक्सरसाइज है पर ये तो बहुत टफ है, और मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग एक्सरसाइज हमारे साथ शेयर करोगे। एट, नाइन, एंड घुटने आपके सीधे रहने चाहिए, इसका आपको ध्यान देना है, घुटने नहीं बैंड होंगे। टेन, ओके, रिलैक्स। तो देखते हैं आप लोगों ने थाई किक टू कितनी सीखी है। चिंगशे, चैरियत, खिंगरी, जुम्बे, थाई किक टू ऑन काउंटिंग, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन
15, 16, 17 and 18. Yeah. Zumba. खत्म होती है। मैं आप लोगों के साथ करना चाहूँगा, मुझे शरद।